ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवत गीता अध्याय 17 और उसका महत्मय। श्री भगवान जी बोले, मंडलीक नामक देश में दुशासन नाम का राजा था। एक राजा किसी दूसरे देश का था, जिन्होंने आपस में शर्त बांधी, हाथी लड़ाए और कहा, जिसका हाथी जीतेगा सो यह धन ले जाएगा। तब दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हाथी हारा। कुछ दिन बाद पीछे हाथी मर गया तो बड़ी चिंता हुई। एक धन गया, दूसरे हाथी मरा, तीसरे लोगों में हंसी हुई, इससे निंदा हुई, इस चिंता से राजा मर गया। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, यह हाथी के मुंह से मरा है, इसको हाथी की ओनी में डाल दो। राजा दुशासन सलंग द्वीप में जाकर हाथी हुआ और वहां उस राजा के बहुत से हाथी थे। तिन में आया, उसे पिछले जन्म की खबर थी। मन में बारंबार वह पछतावे कि मैं पिछले जन्म में राजा था, अब हाथी हुआ हूँ। बहुत रुदन करे, खावे पीवे कुछ नहीं। इतने में एक साधु आया, जिसने राजा को यह श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, हे संत जी, कुछ मांगो। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, एक हाथी नहीं है। राजा ने सुनकर वही हाथी दिया। ब्राह्मण अपने घर ले आया, दाना रावत दिया, वह खावे नहीं पीवे नहीं, सिर्फ पिया रुदन करे। मन में सोचा, कोई ऐसा हो जो मुझे इस योनि से छुड़ावे। उस साधु ने महावत को बुलवाया, पूछा, इस हाथी को क्या दुख है, खाता पीता नहीं। महावत ने देखकर कहा, इसको कुछ रोग नहीं है। तथा साधु ने राजा से कहा, हाथी खाता पीता कुछ भी नहीं है, खड़ा रुदन करता रहता है। यह सुनकर राजा अब देखने को आया। राजा ने बड़े दो वैद्य बुलाए और महावत बुलवाए, सबको हाथी दिखलाया। उन्होंने देखकर कहा, राजा जी, इसको कोई मानसिक दुख नहीं है, देह का कोई सुख दुख नहीं है। तब राजा ने कहा, हाथी तू ही बोल, तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्यों की भाषा में हाथी ने कहा, राजा तू बड़ा धर्मज्ञ है, यह ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है। इसके घर का अन्न जो खाता है बड़ा धर्मज्ञ हो जाता है, वह अन्न मुझको कैसे मिले। तब साधु ने कहा, हे राजा, अपना हाथी फेर ले। राजा ने कहा, दान दिया मैं नहीं फेरता, यह हाथी मरे या जिए। तब हाथी ने कहा, हे संत जी, तू मत कल्प, तेरे घर में कोई गीता की पोथी हो तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुनाओ। तब उस साधु ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, 17वें अध्याय का पाठ सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूटी और देवदेही पाकर वैकुंठ को गया। तो दोस्तों, ये कथा थी एक हाथी की। उम्मीद करता हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंडियन एथोलॉजी। जय श्री कृष्णा।